5 फरवरी को शुरू हुआ था ये दौरा, जिसमें थे टेस्ट मैचेस, थे T20Is और अब है आखिरी ODI की बारी, इंडिया बनाम इंग्लैंड। आज टॉस एक बार फिर जीत लिया है इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने, एक बार फिर फील्डिंग का किया है फैसला। रोहित शर्मा 227वां इनका मुकाबला है, 29 शतक जड़ चुके हैं और सामने है मिस्टर ICC शिखर धवन, 5,910 रन। फिर से स्विंग कराने की कोशिश और बढ़िया कवर ड्राइव रोहित शर्मा की। अरे वाह, ये बाजुए खोली है और वन बाउंस चौके में किया है तब्दील। यहाँ हल्की सी स्विंग तो हुई थी लेकिन रोहित शर्मा है। अरे नहीं, एक बार के लिए लगा कि ये गई है गेंद सीधा फील्डर के पास, लेकिन अंत में मिला है धवन को चौका। इस बार भी गेंद गैप में है, इस बार भी धवन का चौका है। 7 ओवर की समाप्ति पर 36 है भारत का स्कोर। ये हवा में शॉट लगाया इनफील्ड को के ऊपर से, वेलकम बाउंड्री यहां पर शिखर धवन के लिए। एक और शानदार शॉट ये, वाह ये क्लासिक शिखर धवन ड्राइव है। खराब गेंद, अंतिम गेंद पर एक और चौका और फिर से ये कड़क शॉट है, ये स्क्वायर ड्राइव है, कितना पावर है। ओहो, एक और शानदार शॉट और बेहतरीन शॉट रोहित शर्मा का, ये नियंत्रित शॉट था। ओहो, शानदार शॉट ये, एक और चौका और इस चौके के साथ 32वां अर्धशतक शिखर धवन के वनडे करियर में। जबरदस्ती अगेन, बैट पैड में हल्का सा था गैप, उसमें से घुस गई यहां गेंद। आदिल रशीद, रोहित शर्मा के खाते में 37, 103 पर एक भारत, एक 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 पर एक, ये खिलाड़ी भी है एकदम नंबर एक। और पहली गेंद पर जड़ दिया है चौका और एक और सफलता, इस बार गूगली में फंसाया है शिखर धवन को। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, देखिए गूगली था, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के दिशा में सिंगल के लिए, लेकिन आसान सा कैच दे बैठे। 117 पे गवाया दूसरा विकेट, 67 है धवन के खाते में। ऋषभ पंत 453 रन, पिछले मैच की जो पारी थी वो इनके करियर की सबसे बेहतरीन पारी थी 77। इस बार मोइन अली ने चकमा दिया विराट कोहली को, गेंद हुई थी डन, पीछे जाके जगह बनाना चाहते थे, लेग स्टंप पर जाके लगी है गेंद और उस गेंद को ये ऑफ साइड में मारना चाहते थे, 7 पर हुए आउट, 1-2, 1 पर 3 भारत। केएल राहुल पिछले मैच में शानदार शतक उन्होंने बनाया। ओहो, कमाल का ये शॉट, मैक्सिमम 6 रन के लिए, 3 विकेट भारत के गिर चुके हैं। हवा में ये शॉट और वन बाउंस इन द फेंस, ये फिर से कुछ अजीबोगरीब शॉट और इसमें एक बार फिर से चौका लगा। ये फुल टॉस और आउट, बढ़िया कैच यहां पर मोइन अली का, बिल्कुल नाराज होंगे केएल राहुल, फुल टॉस गेंद थी, बैट हाथ में रहा नहीं और अच्छा कैच यहां पर मोइन अली के द्वारा। राहुल को जाना होगा वापस, 4th विकेट गिरा है केएल राहुल, 7, 157 पर 4। हवा में ये शॉट और क्लियर करेगा आसानी से, फिर से बढ़िया शॉट यहां पर, ये एक और जबरदस्त शॉट। इसी प्रकार से आपको बल्लेबाजी करनी होगी मिडल ओवर्स में। ये फिर से हार्दिक पांड्या स्लॉट में था विद द स्पिन, बड़ा चक्का, फिर से उसी दिशा में और सही शॉट, ये एक और जबरदस्त शॉट, फिर से उसी दिशा में, इस बार थोड़ा लेट खेला था इसीलिए चौका।
चांस था, नहीं नहीं नहीं, ये कहीं और ही चले गए थे। ओहो हो हो, एक और करारा शॉट, कोई मौका नहीं। एक बार फिर गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजा है और इस छह के साथ ऋषभ पंत ने जड़ दिया अपना 50। गेंद का रंग बदला है फ्रॉम रेड टू पिंक टू व्हाइट, लेकिन इस खिलाड़ी के खेलने का ढंग नहीं। What a shot! और ये खराब गेंद और सही अंजाम। ओहो हो, एक और शानदार शॉट ये, कदमों का इस्तेमाल करते हुए डाउन द ग्राउंड। चौका, एक और चौका। ये अच्छी गेंद है, कमाल की गेंद है, बढ़िया कैच है, बढ़िया कैच है जॉस बटलर का, क्योंकि खेलना चाहते थे ऑन साइड में सिंगल के लिए, लेकिन ये देखिए वन हैंडेड कैच, रिफ्लेक्स कैच। उनके करियर का सबसे बेहतरीन एक दिवसीय स्कोर 78, आधी भारतीय टीम आउट 256 पर। कृणाल पांड्या पहले मैच में अर्धशतक लगाया था, बेहतरीन ऑलराउंडर है, तीसरा मैच अपना खेल रहे हैं। और ये है एक और अर्धशतक हार्दिक पांड्या का, अच्छी पारी रही है, सिर्फ 36 गेंदों का सामना किया है, एप्रिसिएशन होना भी चाहिए। और ये खराब डिलीवरी और इसका भरपूर फायदा उठाया, शॉर्ट डिलीवरी। और जबरदस्त शॉट ये, कवर और मिड ऑफ के बीच में से ये पावरफुल शॉट, जोरदार अपील। में अपील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोल्ड कर दिया यहां पर बेन स्टोक्स ने। बहुत बड़ा विकेट यहां पर इंग्लैंड को मिला, शफल कर गए, लेग स्टंप एक्सपोज किया, बल्ला लगा नहीं। बैक टू बैक दो विकेट मिला है, यहां पर वापसी हो गई है, 64 बनाए हार्दिक ने, 276 पर 6 भारत। शार्दुल ठाकुर 15वां अपना मैच खेल रहे हैं, ज्यादा मौका मिला नहीं है, पर आज मौका है। अच्छा शॉट ये, हवा में है पर चौका मिलेगा और ये 6 रन मिलेंगे, 4 नहीं, बढ़िया टाइमिंग। सही शॉट है शार्दुल ठाकुर का, इसीलिए कहते आ रहे हैं कि इस खिलाड़ी में भी दम है। हवा में यहां पर आउट होने का चांस, मौका था मोइन अली के हाथ, माफ कीजिएगा आदिल रशीद ने वो कैच छोड़ दिया, मौका था जो कि गवा दिया इंग्लैंड ने। कृणाल पांड्या ऊपर से शॉट खेलना चाह रहे थे, कनेक्ट किया नहीं, ठीक से कंट्रोल कर नहीं पाए। हवा में ये शॉट, हुक करने का कुक की कोशिश और 6 रन। ओ बेहतरीन शॉट, स्टेप आउट करके मिड ऑफ के ऊपर से, गेम प्लान बैक ऑफ लेंथ, बाहरी किनारा, अच्छा कैच जॉस बटलर ने पकड़ा, छोटी और अच्छी महत्वपूर्ण पारी शार्दुल ठाकुर की हुई खत्म, अच्छी गेंदबाजी मार्कपुर से। ये लेंथ वाली गेंद थोड़ी आगे भी थी, 7वीं विकेट गई 321 पर, शार्दुल ठाकुर 30 रन करके आउट। 14.22 है इनका औसत, एक अर्धशतक है इनके नाम। जोर से घुमाया हवा में गेंद, लेकिन आउट, अच्छा कैच। अगर आपने ठीक तरह से कनेक्ट नहीं किया तो फिर गेंदे ऊपर ही जाएगी, देखिए बाहरी किनारा और गेंद ऊपर चली गई, और बड़ा अच्छा कैच, बड़ा अच्छा कैच, पीछे जाकर कैच पकड़ना आसान नहीं होता, जेसन रॉय ने यह कैच पकड़ लिया है और कृणाल पांड्या आउट हुए हैं 25 रन बनाकर। सिद्ध कृष्ण नाम का लिस्ट ए करियर में एवरेज 10 के ऊपर, आखिरी गेंद नहीं, ज्यादा देर नहीं खड़े होंगे, अच्छी गेंद, तेज तर्रार स्टंप्स पे, गलत लाइन और दूसरा विकेट निकाला है मार्कवुड ने अपने इस ओवर से, और मार्कवुड को और एक विकेट, 329 पर 9 विकेट, प्रसिद्ध कृष्ण शून्य पर आउट। ये होना चाहिए कैच, जी हां वही बैक ऑफ लेंथ जहां पे टाइम करना मुश्किल, और आखिरी विकेट
निकाला रीस टॉपली ने भुवनेश्वर कुमार के रूप में और भारत की पारी खत्म हुई 329 पर। तीसरी बार इस सीरीज में भारत ने टॉस हारा और पहले बल्लेबाजी की। अच्छी शुरुआत दिलाई रोहित शर्मा और शिखर धवन ने, लेकिन अब बीच में पारी को संभाला ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने, जिसके चलते 329 रन बना पाई भारत। ड्रॉप साइलेंस अराउंड द ग्राउंड, गॉट अबाउट 15,000 पीपल इन। Wrapped on the pads, not out, says Billy. A chance of a run out, overthrow. This could be four. This could be four. Two to win for India. In fact, they run the single, do they? It's four runs. Overthrows, would you believe it? The tension reaching out to everybody. How close is the LB first? Oh, that's close. That is very close. Tension all around. Smith then has a shot, just misses. And it's four overthrows. That would have been out too. There's so much excitement in this test match. Two to win, one to tie. What a test match this is. Could we have the third ever tie ever? Have a look again. That would have crashed into middle and leg. So one goes India's way. Chance of a run out here. He shied at the stumps. That would have been a run out had he hit. Instead, four overthrows. How close was that to being run out as well? Lakshman pumping his arms. There goes Johnson, and he lets it go. Now, once again, on that overthrow, there was no signal from the umpire. So, what he's assuming is that Oja got some bat on it, an inside edge, hence not out with the leg before. And when the overthrows went, it was given as four runs to the batsman. So, the tension here mounting. Still two to win. Billy in the firing line. They go back for the second. It's India that have won the test match. A famous win. Leg by a signal. Unbelievable scenes in Mohali. VVS Lakshman is the hero for India. The team will run out onto the park. Ricky Ponting will have to wait for his first ever test win in India. But this, these are scenes that you will never forget. Out of nowhere. Through a partnership of 80, India have come back into the contest and taken a 1-0 lead in the Airtel Test Series. Just enjoy these moments if you're an Indian fan. And you've got to feel sorry for the Australians.